अब ये सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका Q1 क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है और Q1 ही आपका फाइनल स्टेट है, तो Q1 इज इक्वल टू, अब देखिए Q1 पर क्या एक्सेप्ट होगा, Q1 पर देखिए आपका लेमडा एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। आप Q1 स्टेट पर हैं और लेमडा, Q1 आपका स्टार्टिंग स्टेट है, तो स्टार्टिंग स्टेट पर अगर आप लेमडा लेंगे तो आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा लेमडा प्लस। अब देखिए Q1 पर हैं आप और बी को कंज्यूम करेंगे तो फिर Q1 पर ही रहेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Q1 स्टेट पर सिंबल बी को कंज्यूम करने पर आप Q1 स्टेट पर हैं, या फिर Q2 स्टेट पर अगर आप हैं और आप सिंबल ए को कंज्यूम करेंगे तो आप Q1 स्टेट पर आ सकते हैं। तो इतने तरीके हैं Q1 पर आपके पहुंचने के या Q1 पर स्ट्रिंग के एक्सेप्ट होने के, ठीक है ना। क्योंकि Q1 आपका स्टार्टिंग स्टेट है तो अगर इसको एक्सेप्ट कराना है तो आपको लैम्डा लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका स्टार्टिंग स्टेट होगा उस स्टार्टिंग स्टेट में हमें यहाँ पर लैम्डा को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे इससे पिछले वाला एग्जांपल देखिए, वहां पर भी स्टार्टिंग स्टेट के लिए हमने लैम्डा को लिखा था, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट पर अगर आपको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो स्टार्टिंग स्टेट पर अगर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी तो वो आपका लैम्डा होगा, ठीक। तो Q1 के लिए हम लिख देंगे लैम्डा, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, लैम्डा प्लस Q2 ए प्लस Q1 बी। अब इसी तरीके से Q2 के लिए हम लिख सकते हैं, Q2 के लिए आपका हो जाएगा Q2 बी प्लस Q1 ए। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम ये थ्योरम लगाते हैं, ये मान लीजिए आपका R है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए आपका Q है, और ये मान लीजिए है आपका RP, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, वेर लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू P, तो लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू P। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू QP क्लोजर, ठीक है ना। तो QP क्लोजर हो जाएगा आपका Q1 A बी क्लोजर, Q1 ए बी क्लोजर। तो यहां से अगर आप आर्डियंस थ्योरम को यूज करेंगे तो ये लिख सकते हैं। अब इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि Q1 आपका फाइनल स्टेट है तो हम इसको Q1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा Q1 इज इक्वल टू लेमडा प्लस Q1 बी प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगा Q1 ए बी क्लोजर ए। अब देखिए अगर आप यहाँ पर Q1 को कॉमन ले लेंगे, Q1 को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू लेमडा प्लस Q1 को कॉमन ले लीजिए तो हमें मिल जाएगा बी प्लस ए बी एस्ट्रिक ए, ठीक है ना। अब फिर से हम आर्डेंस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपका R है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका R है और ये मान लीजिए आपका Q है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए आपका है R और ये मान लीजिए आपका हो गया P। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू पी, लेमडा डज नॉट बिलोंग्स टू पी है, यानी पी लेमडा को कंटेन नहीं करता है, तो फिर से हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं Q1 इज इक्वल टू सॉल्यूशन क्या होगा, क्यू पी एस्ट्रिक यानी लेमडा कॉन्केटिनेट बी प्लस ए बी एस्ट्रिक ए होल एस्ट्रिक। तो आपका आंसर हो जाएगा इस मशीन के कॉरस्पॉन्डिंग आपका आंसर आ जाएगा बी प्लस ए बी एस्ट्रिक ए होल एस्ट्रिक। इसको आप डायरेक्ट वाले तरीके से भी निकाल सकते थे जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर दो लूप है, फर्स्ट लूप है आपका बी प्लस, सेकंड लूप क्या है, सेकंड लूप है आपका ए बी एस्ट्रिक ए बी एस्ट्रिक ए, और ये दोनों लूप पैरेलल में हैं तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्लोजर। तो इस मशीन के लिए आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, ये डायरेक्ट मेथड था जो हमने आपको बताया था, ये सेकंड मेथड है आर्डेंस मेथड, आर्डेंस थ्योरम का यूज करके, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं।